हेलो बेड़े, तो कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आ गए हम लोग आपकी और हमारी महफिल में, जिसका नाम है व्हील्स ऑफ विस्की। और दोस्तों, आज हम खेलेंगे खेल 12 और 12 का, 12 और 12 का खेल खेलेंगे। मतलब जो सोचे जो समझे वो करके दिखा दें। हम वो हैं जो 12 और 12 को 25 बना दें। आप लोग सोचोगे कि यार कुछ ज्यादा ही मैथमेटिक्स अप्लाई हो गई है, ये बंदा बिना सर पैर की जो बातें हैं उनको मतलब बिना सर पैर की बातों को बोल रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं बिना सर पैर की बातों को नहीं बोल रहा हूं, जो राज है 12 और 12 का वो जल्द ही आप लोगों के सामने मैं खोल दूंगा। बिकॉज जिन दोनों बॉटलों का आज हम रिव्यू करने वाले हैं उनकी जो एज स्टेटमेंट है वो 12 12 ही है। मतलब दोनों ही 12 ईयर्स ओल्ड विस्कीज हैं। और वेलकम करता हूं मैं आप सब लोगों का वॉर ऑफ बॉटल्स के आज के इस भयानक एपिसोड के अंदर। और दोस्तों, जिन दो बॉटलों को आज हम कंपेयर करेंगे, आपस में भिड़ाएंगे, तो एक तरफ तो है हमारी स्कॉच शिविज रिगल 12 ईयर ब्लेंडेड स्कॉच विस्की, तो जो हमारा एक 12 था वो हमने रख दिया इसके लिए। और जो दूसरी स्कॉच विस्की है वो है ग्लेनफेडिक सिंगल मॉल्ट स्कॉच विस्की, और जो हमारा दूसरा 12 था वो हमने रख दिया इसके लिए। तो अब आप लोग बोलोगे कि यार वो जो 25 था वो किसके लिए था, वो तो यार मैं सिर्फ पकचोदी ही कर रहा था, तो उसको आप भूल जाइए। तो चलिए चलते हैं साथ डाले हाथों में हाथ दोनों विस्की के कंपैरिजन में विद व्हील्स ऑफ विस्की। हालांकि जो दोनों ही विस्की है वो स्कॉच विस्की है, लेकिन अब आप लोग बोलोगे कि यार क्या कंपैरिजन है दोनों में, बिकॉज एक तो है सिंगल मॉल्ट स्कॉच विस्की और दूसरी है ब्लेंडेड स्कॉच विस्की, तो दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है भैया। लेकिन एक सिमिलरिटी है दोनों में, और वो है कि दोनों ही 12 ईयर ओल्ड है। दोनों में 12 साल का जो एज स्टेटमेंट है वो है, और साथ के अंदर दोनों स्कॉच भी, और दोनों का नेम और फेम बहुत ज़्यादा है मार्केट में, दोनों ही बहुत फेमस है। लेकिन दोस्तों, हुआ क्या है कुछ सालों से कि जो सिंगल मॉल्ट स्कॉच विस्की है वो आने लगी है प्रीमियम कैटेगरी के अंदर। मतलब लोगों को लगता है कि यार ये आउट ऑफ द वर्ल्ड है, मतलब इससे बेहतरीन कुछ भी नहीं हो सकता। और उसी फेम के साथ सिंगल मॉल्ट स्कॉच विस्की ने एक अलग ही ऊंचाई को पा लिया है, लेकिन इतनी भी ऊंचाइयों को नहीं पाया है कि हमारी ब्लेंडेड स्कॉच विस्की उसको पकड़ ना पाए, उसको छू ना सके। और ये होगा कैसे, ये होगा दोस्तों रिव्यू करने के बाद मैं आपको बताऊंगा। दोनों की नोजिंग और टेस्ट रिव्यू चेक कर लेते हैं और आगे की कहानी आपको आगे बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले दोनों विस्कीज को ग्लास के अंदर पोर कर लेते हैं, बिकॉज हमारा जो कंपेरिजन है वो तो ऐसे ही होगा। तो ये तो आई हमारी ग्लेनफेडिक सिंगल मॉल्ट स्कॉच विस्की, और दूसरी आई हमारी शिविज रिगल। दोनों ने बहुत अच्छा खासा नाम कमा रखा है दोस्तों, और ये मैं नहीं, ये तो आपको डेटा ही बता देगा, और आप विस्की लवर से तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि मेरी बातों में पूरी सच्चाई थी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले शिविज रिगल के साथ, और बात करते हैं इसके कलर की। कलर इस स्कॉच विस्की का देखिए, गोल्ड से जो एम्बर कलर है उसके अंदर महसूस होएगा आप लोगों को, मतलब बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं है। और नोजिंग चेक करते हैं, नोजिंग क्या बोल रही है इस स्कॉच विस्की की। देखिए दोस्तों, हीदर, हनी, बटर स्कॉच और एक एरोमेटिक जो वनीला के नोट से वो मेरे को इस स्कॉच विस्की के अंदर से आ रहे हैं। बहुत प्लेजेंट अरोमा है इस स्कॉच का, और साथ के अंदर मेरे को जो लाइट सिट्रस नोट्स हैं वो भी महसूस हो रहे हैं। तो नो डाउट बहुत अच्छी तरीके से डेवलप किया गया है इस स्कॉच को, और आखिर में मेरे को जो लेमन और बटर टॉफ़ी है उसके नोट्स भी महसूस हुए हैं इस ब्लेंडेड स्कॉच विस्की में से। क्रीमी, या फिर मैं कहूँ क्रीमी हिट ऑफ बार्ले एंड मॉल्ट्स। बार्ले और मॉल्ट्स दोनों का अच्छा खासा हिट मिला है मेरे को इसके अंदर से, और इसके अलावा ये फील करा रही है वॉलनट का, ग्राउंडनट्स का, और जो कैरेमल है इन तीनों का कॉम्बिनेशन, इन तीनों का जो टेस्ट है वो मैंने फील करा है। तो मैं कह सकता हूँ कि एक नटी टेस्ट है इस स्कॉच विस्की का। अगर हम बात करें फिनिश की,
तो फिनिश इस स्कॉच की है लाइट स्पाइसेस और ब्लैक पेपर के साथ, मतलब दोनों का ही अच्छा खासा फिनिश दे रही है। अगर मैं ओवरऑल करूं, ओवरऑल कोई बात कहूं कि क्या ओवरऑल अपन समराइज कर सकते हैं इस ड्रिंक के बारे में, तो मैं इसको बोलूंगा कि ब्यूटीफुली बैलेंस्ड ब्लेंड है शिव्स रीगल विस्की का। तो चलिए आते हैं हमारी ग्लेनफेटिक स्कॉच विस्की पे। उससे पहले मैं थोड़ा जो पानी है वो पी लेता हूं। ठीक है, सबसे पहले जो बात है वो करते हैं हम कलर की, और कलर इस स्कॉच का है गोल्डन कलर, जैसा कि आपको मेरे ग्लास में दिख रहा है। एज कंपेयर टू शिव्स रीगल इसका जो कलर है वो थोड़ा डार्क है। और नोजिंग चेक करते हैं कि नोजिंग क्या बोल रही है स्कॉच विस्की की। फ्लोरल नोट्स साथ के अंदर मेरे को जो हिंट ऑफ फ्रूट्स है, और फ्रूट्स के अंदर भी स्पेशली दोस्तों जो ग्रीन एप्पल है, पियर है, उनके नोट्स मेरे को महसूस करा रही है ये स्कॉच विस्की। और साथ में जो मॉल्ट्स है, हनी है और सिट्रस है, इन तीनों के नोट्स भी आए हैं मेरे को इस सिंगल मॉल्ट स्कॉच विस्की में। और देखिए दोस्तों, टेक्सचर वाइज तो कहीं भी कम नहीं है ये स्कॉच विस्की भी। बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया गया है इसकी रेसिपी को, बहुत अच्छी तरीके से डेवलप की गई इसकी रेसिपी को। और यही रीज़न है कि जो ग्लास है वो पूरा एरोमेटिक हो रखा है, और बहुत ही अच्छे नोट्स, बहुत ही अच्छी फीलिंग आपको कराएगी ग्लेनफेटिक विस्की। फुल ऑफ फ्रूट्स, स्पाइसेस, एंड स्पेशली स्पाइसेस के अंदर भी जो सिनेनम है वो मुझे फील हो रही है इस स्कॉच के अंदर से। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात जो मेरे को इस स्कॉच की लगी वो है स्मूथ। बहुत ही अच्छी विस्की है, बहुत ही स्मूथ टेस्ट है, इजी टू डाउन है। और साथ के अंदर, मतलब ये तो बात होगी स्मूथनेस की, और साथ के अंदर जो टच ऑफ स्मोक है वो भी आपको ही फील कराएगी। साथ के अंदर जो स्वीटनेस है वो भी आ रही है इस स्कॉच विस्की के अंदर। और अगर मैं बात करूँ फिनिश की, तो फिनिश रहेगी इस स्कॉच विस्की की ऑयली, स्वीट और लॉन्ग फिनिश। तो यहाँ पे हमने नोजिंग और टेस्ट दोनों का चेक कर लिया है, दोनों को कंपेयर कर लिया है। और एक बात तो है दोस्तों कि दोनों की जो पर्सनैलिटी है वो थोड़ी डिफरेंट है। तो अब आपका सवाल होगा कि किसके साथ जाएं और क्यों जाएं। तो देखिए दोस्तों, मैं आसान कर देता हूं आपके सवाल के जवाब को, कि अगर आपको पसंद है क्रीमी, मॉल्टी और नट्टी फ्लेवर, और साथ में आपको चाहिए पिंच ऑफ सिट्रस, तो आपको जाना चाहिए शिव्स रीगल ब्लेंडेड स्कॉच विस्की के साथ। और अगर आपको चाहिए टोटली स्मूथ विस्की जिसके अंदर आपको स्वीटनेस स्पाइसीनेस का कॉम्बिनेशन मिल जाए, तो आपको जाना चाहिए ग्लेनफेडिक स्कॉच विस्की के साथ। लेकिन अगर आप बात करेंगे अल्कोहल बाय वॉल्यूम की, तो अल्कोहल बाय वॉल्यूम शिव्स रीगल के अंदर है 43%, लेकिन जो अल्कोहल बाय वॉल्यूम है ग्लेनफेडिक के अंदर वो थोड़ा कम है, वो है 40% ही। तो आप देख लीजिए कि अगर आपको थोड़ा ज़्यादा हार्ड चाहिए एबीवी, तो आपको जाना चाहिए शिव्स के साथ। अदरवाइज अगर आपको लाइट चाहिए तो ग्लेनफेडिक का तो 40% है। और दोस्तों, दोनों ही जो स्कॉच विस्कीज है दोनों के अंदर ही नेचुरल कलर का इस्तेमाल किया गया है, और दोनों ही जो बॉटल्स है उनकी बॉटलिंग हुई है स्कॉटलैंड के अंदर। लेकिन अगर आप बात करेंगे कि यार हमें तो बहुत सारी कॉकटेल्स बनानी है, तो उसके अंदर तो डोमिनेट करेगी शिव्स रीगल, बिकॉज शिव्स रीगल के पास बहुत सारी रेसिपीज है कॉकटेल की एज कम्पेयर टू ग्लेनफेडिक स्कॉच विस्की। अब देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन तो हमेशा हमारे दिमाग में रहेगा ही कि यार सिंगल मॉल्ट और ब्लेंडेड स्कॉच विस्की का जो टेस्ट है दोनों का हमेशा डिफरेंट ही आता है। लेकिन एक चीज़ हमारे दिमाग में और आती है, वो है बजट की। अगर हम कोई भी स्कॉच विस्की परचेज करने जा रहे हैं तो बजट क्या होना चाहिए। तो अगर हम जाएंगे ग्लेनफेडिक की तरफ, तो ये विस्की हमें मिल जाएगी 4,520 रुपीज़ के अंदर मार्केट के अंदर। वहीं हमें शिव्स रीगल मिल जाएगी 3,110 रुपीज़ के अंदर। तो अप्रॉक्स 1,400 रुपीज़ का डिफरेंस है दोनों स्कॉच विस्कीज़ के अंदर, ज़्यादा नहीं है। मैं आपको बता दूं 1,800 है। अगर टेक्निकली हम देखें तो शिव्स रीगल की बॉटल की जो क्वांटिटी है वो आती है 750 ml, वहीं पे जो ग्लेनफेडिक की बॉटल है उसकी क्वांटिटी आती है 700 ml। तो अगर अब हम कैलकुलेशन करेंगे ml वाइज, तो डिफरेंस जो है वो 1,400 का नहीं 1,800 का ही आ जाएगा। और वैसे भी यार जो सिंगल मॉल्ट स्कॉच विस्की है उसका नेम फेम तो बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा पैसा ज़्यादा चुकाना पड़ेगा। तो ब्रदर एंड सिस्टर, फादर एंड मदर, फादर एंड मदर, द रिव्यू इज डन फॉर दिस प्रीमियम स्कॉच विस्कीज फ्रॉम स्कॉटलैंड। तो कैसा लगा आपको आज का रिव्यू, वो तो आप लोग बता ही देंगे मुझे, मुझे अच्छे से पता है। लेकिन
इन दोनों स्कॉच विस्की के अंदर आपको ज्यादा अच्छी स्कॉच कौन सी लगती है वो आप प्यार से सम्मान से हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के मुझे बताएं, तो भैया वहीं पे वोटिंग करवा देंगे दोनों की कि कौन सी ज्यादा फेमस स्कॉच विस्की है और कौन सी ज्यादा आप लोगों को पसंद है। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक इन दोनों स्कॉच विस्कीज को टेस्ट नहीं किया है, चखा नहीं है, नोजिंग नहीं ली है, वो सबसे पहले जाएं ठेके से लाएं, टेस्ट करें और उसके बाद आराम से तसल्ली से हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दें कि क्यों आपको ये स्कॉच विस्की पसंद है। आप नाम भी लिख देंगे, क्यों नहीं बताएंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए चलता हूँ, जाने का टाइम हो गया, टाइम टू से गुड बाय, लेकिन जल्दी आऊँगा नए वीडियो के साथ, नए रिव्यू के साथ। तब तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को जिसका नाम है व्हील्स ऑफ विस्की। चीयर्स एंड गुड बाय।